देख सुधा, तू तो ऐसे चल जा और तेनी एकदम परेशान मत होगा। ये समस्या हमार बा और हम कैसे भी करके एकरा के संभाल ले। तेनी हमारी चिंता एकदम मत कर, तू ऐसे से जा। दीदी तू तो कैसे संभालू अपने आप के? अरे अपना हालत तो देखा तारा कि कासे का हो गए बाड़ू, कि आजकल तहार चेहरा कैसन हो गए बा। और ओकरा के बाद भी कहता रू कि हम सब ठीक कर दे। अरे वो लोग तो तहरा से ठीक मुझसे बात भी करे के नहीं खिंचाहत, बस वो लोग तहरा ऊपर तरह तरह के आरोप ही लगावे में लागल बा। अरे यहाँ तक कि जीजा भी तारा के समझे खातिर तैयार नहीं खन। फिर इन नरक में तो अपने आप के कैसे संभलबू, कैसे संभलबू दीदी बतावा ना कैसे। देखो सदा, हम तहार दीदी हैं, हम तरह से उम्र में भी बड़ बानी और दुनियादारी के अनुभव में भी। ऐसे ऐसे तो हमार कहल माना और ऐसे से चुपचाप शांति से चल जा। जाए जैसे सुधा। इतना परेशान हो गई बड़ी, हम कहता नहीं ना ये सब ठीक हो जाए, अब कुछ आए जैसे। तो हमारी चिंता एकदम ही मत कर, अपन ख्याल रख। और कभी भी हमने की जरूरत महसूस हुई ना तो बोल दिया। चल सुधा। जा सुधा।
सुधा जी पुनपुन गिलबाड़ी बीबा भाजी से मिले खातिर यहाँ का सुन रहे बानी सुधा के माई वो हमारा के बारे में काहे ना बताओ नहीं और वैसे सुधा विवाह के लगे अचानक काहे गेल बाड़ी अरे ये बात तोरो जाके अपना दुल्हन रहतिन से पूछी हम केतनो मना करत रह गनी लेकिन वो हमार बात सुने लेगा कि सुधा उजा अचानक काहे गेल बिया देखिए सुधा जी हम रवनी सबसे माफी मांगता नहीं हमरा चलते रवनी सबके बहुत कष्ट उठावे के पड़ल बा देखी जवन कुछ भी साजिश भइल बा हम ओकर पर्दाफाश करे के चाहत रहनी गीता रीता और रिमझिम के हम यहाँ बुलावे खातिर गेल रही लेकिन कोई ना आइल सब लोग मना कर दिलस और ऊपर से लोग अपन बुद्धि लगा के गीतवा के कहीं बाहर भेज दे बा ताकि सच्चाई की पता केहू के ना चले हमरा सब पता चल चुकल बा कि का भइल बा और का ना लेकिन रउआ पहले हमके ई बताई रउआ चिट्ठी में वो का लिखले बानी हम पूछा तानी कि आखिर ये सब का बोल बा तहनी तहनी ये सब का बोल बा हम देखे तो तहनी के कुछ भी बात समझ में नहीं खाया बात आखिर आखिर भैल का बा कैसन चिट्ठी कैसे साझे के बात हो रहा बा क्यों हमरा के कुछ बताई कि ना हम बताओ तानी देखिए चाचा जी हम सुधा के पसंद करी ले सुधा के पसंद और यही से अजीत भैया के पांचों बहन हमरा और विभा भाजी के खिलाफ साजिश रचत रही जेकर हम शिकार होगी नहीं हम अपन मन के सब बात एक चिट्ठी में लिख दे ली और विभा भौजी लगे छोड़ देनी उहे चिट्ठी के लेके ही लोग पूरा बखेड़ा खड़ा के ले बा लोग लेकिन रवनी लोग तनी को परेशान मत होई सब ठीक हो जाए और एक बात हम रवनी सबके कहे के चाहता नहीं एकदम साथ साथ कि सुधा हमरा पसंद बड़ी और हम सुधा से ब्याह करे के जाते हैं अरे तार मजाल कैसे भैया ये सब कहे के तू अपने आप के समझत का बड़ा मुंह देखला हवा अपन जाके आईना में कहा तू और कहा हमार बेटी रूप गुण के खान पढ़ लिखल संस्कारी और तू काम के न काज के और दुश्मन अनाज के तारा बाप के दुकान पे भुलाइल भटकल के ग्राहकों न जाबा ऊपर से तू एक नंबर के निठल्ला हमारा बेटी से ब्याह करके सपना देखा था बाह भाई बाह बात तो उहे हो गई गोड़ में फाटल चप्पल ना और मूड़ी में मखमल के टोपिए चाहे चला जाए जैसे अरे हमारा तो ये समझ में नहीं आवत कि तू ये सब बात सोचला कैसे चला जाए जैसे अपनी मन खुद सकल लेके
देखी हम जानत तानी कि रावर बेटी लाखों में एक बाड़ी पर उनका मुकाबले में हम उन्हीं से हुई लेकिन उकरा बाद भी हम इनका के बहुते पसंद करेंगे पसंद करेला अरे तो एकरा में हमार और हमरा बेटी के का गलती बा तारा पसंद कइला खातिर हम अपना बेटी के तरह से बियाह कर दी देखी हम रोनी सबसे माफी मांगा था चाचा जी हम ना चाहत रहनी है कि तवे सबे से ये सब बात हम यहाँ और ये सब हालत में कहें ए बाबू ए हुने का बतियाओ तरह हुने का हेने बतियाओ सुधा के बारे में जो भी फैसला लेवे के बानी हम ले सिर्फ हम और तू कान खोल के सुन ला जहां आंख उठा के तू हमरा बेटी के दोबारा देख ला तो तेरा आंख के साथ साथ हम इतना पूरा मुंह नोच ले और ये तो ना सुन ला कि तू बेशरम के तरह अभी तक तू इधर खड़ा बड़ा वही है के वही है तू इधर से निकल जा हमरा से बुरा कहूँ ना होई समझ गिला जाई जा से हिम्मत कैसे भइल हमरा बेटी से बियाह करे के बारे में सोचे के अरे ऐसा नैसा के त हम मुंह झुका दे बाप के जिंदगी गुजर गई लनहरिया में अब बेटा के नाम पावर हाउस जोटा कहीं के अजीब मुसीबत बा हम का समझत रहनी हूं चिराग के और का निकल गई ले आजकल तो केहू से निमन से पतिया दिहल भी गुनाहे बा से कुछ पूछे के चाहता नहीं जी बाबूजी पूछिए चिराग जो कह रहा बा कई बार ना बाबूजी इस विषय में हम कुछ नहीं के जानत वो जवन कुछ भी कहत रहले है वो सब उनके मन की उपजल भावना है हमार मन में चिराग के खातिर ऐसा कुछ नहीं हो हम तो खाली दीदी के खातिर परेशान बानी और बाबूजी आज ही हम पुनपुन गए ले लिया दीदी से मिले खातिर परेशानी के का कारण बा आखिर रोजा ऐसा का हो गया बा जब तोहरा के विवाह के लगे जाए के पलाला बाबूजी, दीदी की स्थिति बहुत ही खराब बा बहुत ही परेशानी में बाड़ी ठीक बा हाँ ठीक बा चला फोन रखा तनी चला सब काम हो गई
हम रीता दीदी के सब फोन पे बता देनी और वही सब सुन के बहुत खुश बाड़ी। अरे ओकरा तो खुश रहे के चाहिए, आखिर इतना बढ़िया काम कहले दिया रीता कि ओकरा की जितना साबासी दी उतना कम बा। हाँ और ना तो का गर्व बा हमके अपना रीता पर। देख लो हो ना कि कैसे एक ही झटका में वो चिराग के चिराग को बुझा दिले बा। अब वो चिराग के भी समझ में आ गई होई कि वो शेर बा तो हमनी सवा शेर। लेकिन सच में बहुत ही निम्न काम कैले बिया रीता, बहुत ही गहरा दोस्ती रह गल ना चिराग और कुमो के घर वाले के बीच में। अब पता चली आटा और दाल के भाव। दीदी दीदी एक बार हमारी बात सुन ली। चिराग भैया के मन में का चलत रहे, उनका मन में केकरा प्रति का भावना रहे, ये बात से हम एकदम ही अनजान मानी। वो लोग हमारा विश्वास करी, हमरा ये विषय में कुछ हो पता नहीं के। हम गंगा मैया की क्रिया खा के कहता नहीं। वो लोग एक बेर हम पर विश्वास कर ली, हम एकदम साज के रल बानी। वो लोग इनके जरूर कोरो गलत गलत फहमी हो गई बा। चिराग भैया के मन में छुपल चोर तो हमनियो नहीं के पहचान पाऊनी। ऐसे ऐसे उनका पर थोड़ का विश्वास कर लेनी और उनका मिठाई का डिब्बा लेवे खाते तैयार हो गई नी। लेकिन हम चाहे हमारे नैयर के लोग उनके के बिल्कुल मिलन नहीं खे रहे, हमने के चिराग भैया से कोनो मतलब नहीं के। वो लोग हमरा पर विश्वास करी, हम एकदम साज के अरल बानी। और ऐसे भी टिकर तो हमारे ससुराल है, हमरा खाते स्वर। और हम ये घर के बहू हैं।